हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी मखाने की बहुत ही टेस्टी मलाई वाली लच्छेदार खीर, जो कि व्रत स्पेशल है। तो इसको आप व्रत में खाइए, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी बनती है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए लिया मैंने एक पैन में डाल दिया देसी घी 1 चम्मच। तो घी अच्छे से गर्म हो गया, तो इसमें पहले मैं ड्राई फ्रूट जो है वो रोस्ट करूँगी। तो मैंने बादाम और काजू लिए हैं, आप जो भी आपके मनपसंद हो वो डाल सकते हो। तो इसको 1-2 मिनट के लिए मैं रोस्ट करूंगी, और गैस का फ्लेम मैंने किया है मीडियम। तेज आंच पे नहीं इसको रोस्ट करना है, तो एकदम से जल जाते हैं। तो अच्छे से हो गए हैं रोस्ट, तो इसको निकाल लूंगी मैं एक प्लेट में। तो उसी पैन पे डाल दिया मैंने किशमिश थोड़ी सी, इसको 1 मिनट के लिए रोस्ट करूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको रोस्ट। तो 1 मिनट रोस्ट करने के बाद मैंने इसको भी निकाल लिया था, इसको अलग प्लेट में निकाला है। और उसी पैन में डाल दिया मैंने मखाने। तो एक कटोरी ली है मैंने मखाने की, तो इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक अच्छे से क्रंची नहीं हो जाते। इसको हलाते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो जल जाएंगे। और इसके बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो अभी ये क्रंची नहीं हुए थे, तो इसको मैं 1 मिनट के लिए और चला रही हूँ। तो अब मैं तोड़कर बता रही हूँ, तो अच्छे से टूट रहे हैं। तो अभी हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इसको भी मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था। और थोड़े से मखाने रख रही हूँ मैं साबुत, तो इसको मैं बाद में गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। तो बाकी को मैंने ग्राइंडर में डालकर इसको वो बोटा सा ही पीसना है, एकदम बारीक नहीं करना है इसको, चॉप करना है जैसे बादाम काजू और साथ में ही मखाने। मैं 1 मिनट के लिए इसमें चला लूँगी, बिल्कुल मोटा मोटा पीसना है, ताकि जो मखाने हैं खाते टाइम मुँह में आए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो उधर मैंने पैन पे डाल दिया है दूध, तो मैंने 1/2 किलो दूध लिया है, ये फुल फैट दूध है। पहले अच्छे से मैं इसको बॉईल होने दूँगी। तो दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, और उसको 2-3 मिनट के लिए मैं और पका लूँगी। और देखो इसकी मलाई अलग हो रही है, तो मलाई को साइड से हटाते हुए इसको 2-3 मिनट के लिए पका लूँगी मैं। दो से 3 मिनट हो गए हैं, और थोड़ा सा दूध जो है वो ठीक हो गया है। तो इसको चलाते हुए ही पकाना है, बीच में छोड़ना नहीं है। तो और इसकी मलाई को हटाते रहना है बीच में ही। तो थोड़ा सा डाल दिया मैंने इलायची पाउडर, जो ग्रीन वाली इलायची ली है मैंने, इसको पाउडर बनाकर साथ में लिए मैंने थोड़ा सा केसर। केसर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, सैफरॉन नहीं है तो आप इसको स्किप करें। तो इसके बाद मैं इसको और पका लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो दूध जो है वो गाढ़ा होने लगा है, और इसकी जो साइड में मलाई आ रही है इसको मैं हटाकर इसको सेंटर में कर रही हूँ। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो अब इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने मखाने का थोड़ा सा पाउडर बनाया है, मखाने बादाम और काजू का।
उसको ऐड कर दूंगी। तो इसको डालकर भी मैं 3 से 4 मिनट के लिए इसको और पकाऊंगी। और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है इसको। और बीच में इसको हलाते रहना है और इसकी मलाई जो है साइड में जम रही है इसको हम सेंटर में करते रहेंगे। दूध आप देख सकते हैं थोड़ा सा थिक हो गया है और मलाई भी दिख रही है। बहुत ही टेस्टी खीर बनती है, एकदम मलाईदार। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी, और चीनी लिए मैंने 4 चम्मच लिए हैं छोटे वाले। जहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो कम ज़्यादा, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डलती है। तो चीनी डालकर भी मैं इसको 1-2 मिनट के लिए और पका लूँगी। तो साथ में मैंने ऐड कर दी है इसमें किशमिश। और खीर जो है वो हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसको मैंने ठंडा होने के लिए उतार लिया है, तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, एकदम ठंडी हो गई है। तो इसको मैं अब सर्विंग बाउल में ऐड कर रही हूँ। तो इसको आप फ्रिज में भी ठंडा करने के लिए रख सकते हो, जो एकदम अगर आप ठंडा खाना चाहते हैं तो इसको ठंडा करके खाएं, नहीं तो हल्का सा जो नॉर्मल वाली रहती है वैसे भी खा सकते हो। तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी वाली थिक वाली खीर बनी है, एकदम मलाई वाली और लच्छेदार। तो ऊपर से लिए मैंने जो गार्निश के लिए रखे थे मखाने साबुत वाले, उसको लगा दूंगी। और साथ में किशमिश बादाम कट करके लिए हैं मैंने। हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी खीर बन के तैयार हो गई है। इसको आप व्रत में खाएं या आप ऐसे बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल कर दें, सब्सक्राइब।